Hello, good evening students. Today in 10th class mathematics, we are continuing exercise 9.1. Exercise 9.1 mein, we had completed up to question number 4. We are starting our class with question number 5. Question number 5, padhkar dekh lijiye. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. A kite hai bachcho, and the kite is flying at an altitude of 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड. इसका जो ग्राउंड से एल्टीट्यूड है वो 60 मीटर्स दिया हुआ है. फिर इसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब इससे अटैच जो स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज टाइड टू द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज. स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन बच्चों 60 डिग्रीज है. अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है. तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सी इज द काइट 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ये दिया हुआ है. एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज गिवन, एसी इज द स्ट्रिंग. एसी बच्चों इसमें स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, ये धागे का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ 60 डिग्रीज है. अब देखो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है. 60 डिग्रीज के लिए ये परपेंडिकुलर है, और 60 ये 60 डिग्रीज के लिए ये परपेंडिकुलर है जो कि नोन है. आई एम सॉरी, 90 के सामने वाला ये हाइपोटन्यूज है. 90 डिग्री से सामने वाला जो एंगल है ये हाइपोटन्यूज है ना. तो अब हमें क्या चीज चाहिए, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर भी आ जाए और हाइपोटन्यूज भी आ जाए. तो ये साइन 60 डिग्रीज अभी हम लोग ले सकते हैं. एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एसी, सॉरी बीसी अपॉन एसी, ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज रूट थ्री अपॉन टू, और बीसी कितना है, बीसी इज 60 एंड एसी इज टू बी फाउंड आउट. तो कैसे निकालेंगे, एसी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू 60. तो एसी की वैल्यू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3. तो एसी की वैल्यू 120 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री. और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 120 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी 40 रूट थ्री. सो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 5. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो. क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशंस इन एवरी प्रॉब्लम, दीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अब क्वेश्चन नंबर 6 में अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. बच्चों ये यहां पर मीटर टॉल बॉय, बच्चों बॉय का डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, 1.5 मीटर टॉल बॉय एंड दिस इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट, अ बिल्डिंग. दिस इज द बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर्स, दिस इज गिवन. अब The angle of elevation from his eyes to the top of the building. अब यहां से angle of elevation अगर देखना है building के top का, तो एक horizontal line draw करेंगे. तो horizontal line बच्चों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, This is the horizontal line. ठीक. अब
बिल्डिंग के टॉप को अगर देखें तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब व्हाट हैपेंस नाउ, द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग, बॉय जो है बिल्डिंग की तरफ मूव कर गया थोड़ा सा, एंड कितना चल गया, 30 डिग्रीज। एंड नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल, फिर से ये अपने इसने यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 था अब 60 हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे मिलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर की, फिर इधर से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो ये कितना हो गया 60 डिग्रीज। जब भी आप किसी चीज को, किसी हाई राइज बिल्डिंग को देखोगे तो आपकी जो नजर है ऊपर की तरफ जाएगी, सो दिस विल बी एलिवेशन। लेकिन अगर बहुत पास में पहुंच जाओगे उसके तो आपको ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, व्हाट विल हैपन, द इंक्लिनेशन विल इंक्रीज। तो इसने ऊपर की तरफ देखा, ये एंगल 60 डिग्रीज आ गया। कितना डिस्टेंस ये चला है ये आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, We will be redrawing this diagram. इसको अभी हम लोग फिर से redraw कर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब हम लोगों ने ये तो practically चीजें बनाकर दिखा दी थी। अब ये suppose AB is the boy and A dash B dash is the new position. ये C and D जो है बच्चों building है। तो देखो diagram ऐसा कुछ रहेगा, you don't have to draw such type of diagrams. इसमें ये 1.5 मीटर्स टॉल जो है ये बॉय है, 1.5 मीटर्स, वी आर नेमिंग दिस एज ए बी, ठीक। अब इसके बाद यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखना है तो यू विल हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहां से बिल्डिंग के टॉप को अगर देखा तो ये एंगल बच्चों 30 डिग्री से। नाउ व्हाट हैपेंस, द बॉय मूव्स टुवर्ड द बिल्डिंग, थोड़ा सा पास में आ गया ए डैश बी डैश। नाउ व्हाट हैपेंस, द एंगल increases to 60 degrees. और बच्चों इसमें हम लोगों ने इसको D, इसको E और इसको C मार्क किया, और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग बच्चों 30 मीटर्स दिया। अब देखना अच्छे से, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसमें AB एंड ए डैश बी डैश ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय एट टू डिफरेंट पोजिशंस, ठीक। सी डी इसमें बिल्डिंग है और डिस्टेंस ये जो चला है एक्स है। अब ये कैसे निकालेंगे देखना, इसमें ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, और ये वाला डिस्टेंस CE आप निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा CE, जस्ट ट्राई टू सी, अंडरस्टैंड, CE अगर निकाला इस 30 में से ये 1.5 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 28.5, तो CE विल बी CD माइनस DE, CD इज 30, ये पूरा 30 है, इसमें से ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5, देखो ये 1.5, ये 1.5, ये भी 1.5,
हाइट ऑफ द बॉय 30 माइनस 1.5 ये 2.5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल सी ए ई, ट्राइंगल सी ए ई, सी ए ई इसको देखो, सी ए ई सिर्फ इतना सा दिखना चाहिए, ट्राइंगल सी ए ई इतना ट्राइंगल, इसमें क्या कह सकते हैं ट्राइंगल सी ए ई, इसमें ये मालूम है आप ये निकाल लो, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस को इंक्लूड करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, टेन। तो बच्चों अभी हम लोग इसमें क्या लेने वाले हैं, टेन 30 डिग्री। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि टेन लेना साइन लेना समझ में नहीं आता, सोच कर देखना थोड़ा सा, आपको ये दिया है और ये बेस निकाल लें, बेस क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बेस में ही है, ये वाला डिस्टेंस कहां पर है बेस में, हाइपोटेन्यूज में तो नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग बेस निकाल रहे हैं, टेन 30 विल बी इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई। अब 1/√3 इज इक्वल टू सी ई कितना है बच्चों, 28.5 डिवाइडेड बाय ए ई, तो इससे ए ई की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ए ई की वैल्यू 28.5 इंटू रूट थ्री, तो ये ए ई की वैल्यू मिल गई, ए ई की वैल्यू कितनी 28.5 इंटू रूट थ्री, ये इतना मिल गया। ये ध्यान रखना एक्स निकालना, अब एक्स निकालने के लिए अगर आपको इतना मालूम है तो ये और निकाल लो किसी तरीके से, ये वाला। अब ये निकालने के लिए ए डैश ई, नाउ व्हाट वील ट्राई टू डू, वील ट्राई टू फाइंड आउट ए डैश ई, ए डैश ई निकालने के लिए कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, दिख रहा है क्या आपको, आर यू एबल टू सी बच्चों, ये वाला ले लो, ये ग्रीन कलर से जो शेड कर दिया, या जहां पर डबल शेडिंग आ गई, कौन सा वाला ट्राइंगल, ओके ओके, हाँ समवन हैज मैसेज मी, आई हैव रिटन दिस एज 2.5, ओके 28.5, हाँ ठीक है, अभी वहां पर ठीक लिखा है, चलो इट्स गुड, थैंक यू। अब इसके बाद ये यहां पर अभी हम लोगों ने सही मार्क कर दिया था, इट वाज रॉन्गली रिटन, दिस वाज रॉन्गली रिटन एज 2.5। चलो अब इसके बाद ए डैश ई ये निकालने के लिए अभी हम लोग ये जहां पर डबल शेडिंग है उस वाले ट्राइंगल को ले लो, इसमें ये दिया हुआ ये निकालना, तो फिर से टेन लेंगे तो कौन सा वाला ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल ए डैश, अगर आपको कंफ्यूजन होता तो यहां पर देख लो, है ना, ये देखो ये ट्राइंगल तो अभी बना हुआ है, ये 28.5 है और आपको ए डैश ई निकालना, ट्राइंगल ए डैश ई सी ये निकालना, तो टेन 60 डिग्री बच्चों कितना आ जाएगा, टेन 60 विल बी परपेंडिकुलर सी ई डिवाइडेड बाय बेस ए डैश ई, ठीक, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री है, सी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू 28.5 है बच्चों, और ए डैश ई आप निकाल लीजिए, तो इससे ए डैश ई कैसे मिलेगा, टेन 60 विल बी सी ई अपॉन ए डैश ई, ये लिख दिया, सी ई की वैल्यू मालूम है, ए डैश ई निकाल लो, तो ए डैश ई बच्चो कितना आ गया, ए डैश ई इंटू रूट थ्री, ए डैश ई इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 28.5, तो ए डैश ई की वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, ऐसा कुछ आ गया।
अब AE की वैल्यू मालूम है, AE की वैल्यू और A डैश E की वैल्यू ये कितनी है, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब आपको क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विच ही हैज कवर्ड, ये कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक चल गया, ये निकालना। कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग बोलेंगे x विल बी इक्वल टू, x कैसे मिलेगा, ये 28.5 रूट थ्री में से 28.5 बाय रूट थ्री माइनस कर दो, 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 बाय रूट थ्री ऐसा कुछ ले लो। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, सिंप्लीफाई करने में कितना आएगा, ये इसमें 28.5 कॉमन ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रूट थ्री माइनस 1/√3 यह आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, यानी ये कितना आ जाएगा 28.5 इंटू 2, 28.5 इंटू 2 मतलब 57 डिवाइडेड बाय √3। तो ये कितना डिस्टेंस चल गया है, इसको अभी हम लोग ने एक्स अज्यूम किया और ये 57/√3 आया, बट वी डोंट लीव इरेशनल टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, इसको आप रैशनलाइज कर लो, ये 3 आ जाएगा, 3 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 19, सो आंसर टू दिस विल बी 19√3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, इसमें क्या दिया हुआ है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग This is the building, 20 मीटर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, ऐसे कुछ रहते हैं, हमने बच्चों डायग्राम इसलिए बना दिया आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा है ना, ये क्या चीज है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो बच्चों ये बिल्डिंग है और ये इसके ऊपर एक टावर है, और इन्होंने बोला किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम सम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यहां से आपने इसके बॉटम को देखा और इसके टॉप को देखा और हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम लोगों ने को इसमें दिया हुआ है
फ्रॉम दिस पॉइंट द टॉप ऑफ द टावर एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज सीन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. अब चूंकि आप यहां से देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो टावर का जो बॉटम है वो भी ऊपर की तरफ है, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना दिया, 45 डिग्रीज, और ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्रीज, ऐसा कुछ दिया हुआ. आपको इतना डायग्राम ऐसे नहीं ड्रॉ करना है जो अभी हमने इतनी मेहनत करके ड्रॉ किया है. ये सब कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म लेते हैं जस्ट टू गेट अ फील ऑफ व्हाट इज बीइंग गिवन. अभी हमने आपको बहुत वैसे प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ बनाकर दे दिया है. सपोज इस पॉइंट को ए नाम दे देंगे, टार के टॉप को बी नाम दे दिया, टार के बॉटम को सी नाम दे देंगे एंड बिल्डिंग के बॉटम को डी नाम दे देंगे. अब आप अच्छे से समझना, क्योंकि आपका जो डायग्राम आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, है ना. हमने सिर्फ बनाया आपको समझाने के लिए, सी डी एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए. ये एंगल बच्चों 45 डिग्रीज दिया है और ये पूरा एंगल 60 डिग्रीज दिया है, और इसमें ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर्स दिया. आपको ये एच द हाइट ऑफ द टावर ये कैलकुलेट करना. अब देखो बहुत सिंपल है, एक बार आप फील कर लो, बस डायग्राम आपका एक बार आ गया तो फिर बहुत मुश्किल नहीं है. अब आप ट्रायंगल हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा. ट्रायंगल एडीसी में आपको ये दिया, ये निकाल लो बेस. ट्रायंगल एडीसी में आपको ये दिया, बेस निकाल लो एडी. अब ये एडी बेस बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस है. एडी जो बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द लार्जर ट्रायंगल आल्सो. सो यू कैन देन यूज एडी इन ट्रायंगल एबीडी, उसमें यूज कर लो. देखते हैं चलो क्या होता है. देखो इसमें अभी हम लोग लिखते हैं क्या चीज है. सी डी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द बिल्डिंग एंड बी सी इज द टावर. दिस इज गिवन. अब इसके बाद अब क्या करने वाले देखें, ट्रायंगल एसीडी. ट्रायंगल एसीडी को देखो, टैन ऑफ 45 डिग्रीज, टैन ऑफ 45 डिग्रीज विल बी इक्वल टू सीडी अपॉन एडी. अब ये टैन ही क्यों लिया, ये कई बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, डाउट रहता है कि भाई ये दिया हुआ है, हम लोग ये निकाल लेंगे. अब ये ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ये इसका यूज करेंगे एडी का एन द लार्जर ट्राइंगल, है ना. अगर हमें ये दिया है, हम अगर ये निकाल लें, सपोज इफ वी कैलकुलेट एसी, कैन दिस एसी बी यूज्ड इन द लार्जर ट्राइंगल. तो एसी तो बच्चों बड़े वाले ट्राइंगल में है नहीं, एसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल. सो व्हाट वी डू, वी टेक टैन, टैन में सी डी अपॉन एडी, टैन 45 की वैल्यू 1 है, सी डी की वैल्यू 20 है और ये एडी है, तो एडी की वैल्यू बच्चों 20 मीटर्स आ गया. अब क्या कर सकते हैं, अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीडी, एबीडी देखो, एबीडी में टैन 60, टैन 60 विल बी इक्वल टू बीडी अपॉन एडी, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसके बाद tan 60 को बच्चों अभी हम लोग रूट थ्री लिख सकते हैं. BD क्या है, जैसे वो लोग BD ये h plus 20 लिख सकते हैं. Can we write this as h plus 20? Yes, this can be written.
ये एच प्लस 20 अपॉन एडी, तो एडी की वैल्यू 20 है। बस क्या कर सकते हैं अब आप एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू एच प्लस 20 और एच विल बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20 और 20 विल बी कॉमन √3 - 1। एच की वैल्यू 20√3 - 1, दिस इज दी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, ये तार की जगह आपको स्टैचू दिया है, किसी एक बिल्डिंग के ऊपर एक स्टैचू है, अ स्टैचू। अब बिल्डिंग की हाइट की जगह, आपको स्टैचू की हाइट दी है, दिस इज नॉट गिवन, आपको यह निकालना है, ना? और ये आपको कितना दिया है, 1.6 meters। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, और एंगल्स जो है 45 और 60 ही है, एंगल्स बच्चों बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल वैसे ही है। देखो तो अभी हमें क्या किया, टार की जगह यू आर हैविंग अ स्टैचू, बिल्डिंग की हाइट की जगह क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट की जगह आपको स्टैचू की हाइट दी है, है ना? चलेगा, नीड नॉट ड्रॉ अनदर डायग्राम, ये वाला तो अभी हम नहीं ले रहे, स्टैचू नहीं बनाएंगे, हमने टार से काम चला लिया, एंड आई एम राइटिंग दिस एज स्टैचू। अब देखो ये डायग्राम जरूर अभी हम सेपरेट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया क्या डिफरेंस है, और सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि पिछले प्रॉब्लम में भी बिल्डिंग और ऊपर एक टार दिया था, यहां पर बिल्डिंग और एक स्टैचू दिया, है ना? बिल्डिंग नहीं है एक्चुअली, पेडेस्टल दिया है, पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर इसको खड़ा कर रहे हैं, है ना? सो दिस इज नॉट द बिल्डिंग, दिस इज द पेडेस्टल और द सपोर्ट। आपने देखा होगा जितने भी स्टैचूज हैं उनको, उनको एक सपोर्ट के ऊपर एक थोड़ा सा हाइट बना देते हैं प्लेटफॉर्म टाइप का, और उसके ऊपर फिर स्टैचू लगाते हैं। तो हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6, दिस इज गिवन एंड दिस इज नेम्ड एज व्हाट, पेडेस्टल। नाउ दिस इज द डायग्राम व्हिच इज टू बी ड्रॉन बाय यू, ये वाला डायग्राम अब आप ड्रॉ करोगे। बी, ये सी, ये डी और ये ए, और ये वाला एंगल बच्चों 45 डिग्री है और ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है। इसमें बी सी, सी डी इज द पेडेस्टल, दिस इज द डायग्राम विच इज टू बी ड्रॉन, दिस इज नॉट टू बी ड्रॉन बाय यू, ऐसा कुछ नहीं करना है ना, हम सिर्फ आपको फील दिलाने के लिए अभी हमने ये सब कुछ इतना ड्रॉ किया। सी डी इज द पेडेस्टल, बी सी इज द स्टैचू, और ये बी सी की वैल्यू बच्चों दी हुई है 1.6 meters। एच आपको निकालना है, फिर से वो दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, कौन से वाले दो ट्राइंगल्स लेंगे बच्चों, देखो विच आर द टू ट्राइंगल्स विच आर टू बी टेकन, इसमें देखना टेन ऑफ, अच्छा पहले तो ट्राइंगल लिखते हैं बच्चों, इसमें ट्राइंगल एसीडी, ट्राइंगल एसीडी में देखो tan of 45 degrees,
will be CD perpendicular divided by this AD. अब इसमें ना तो CD मालूम ना AD मालूम, इसको अभी हम वन लिख दें. अब CD is H upon AD, मतलब AD जो बेस है वो भी H के बराबर आ जाएगा. ये भी बच्चों बेस, बेस जो है दैट विल बी इक्वल टू H. अब इसके बाद देखना अच्छे से. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल कौन सा बी ए डी ये ले लो, बी ए डी बड़ा वाला, टेन 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू टेन 60 विल बी बी डी अपॉन ए डी. तो BD कितना है बच्चों, BD डायग्राम में देखकर बताओ, BD इसमें H प्लस 1.6 है. ठीक, अब इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, रूट थ्री लिख दिया. BD कितना है, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल प्लस द हाइट ऑफ द स्टैच्यू, ये H प्लस 1.6. और AD किसके बराबर है, तो AD भी बच्चों H के बराबर है. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वी कैन डू दी कैलकुलेशंस एंड फाइंड आउट व्हाट H, H रूट थ्री इज इक्वल टू H प्लस 1.6 एंड H रूट थ्री माइनस H इज इक्वल टू 1.6. H कॉमन ले लो, रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. अब क्या करें, अब इसमें अभी हम लोग h की वैल्यू निकालें तो 1.6 डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस 1. अब ये रैशनलाइज कर लो, h विल बी 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 इंटू रूट थ्री प्लस 1. व्हाट हैव वी डन इन दिस स्टेप, वी हैव मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट थ्री प्लस 1. 1.6 into root 3 plus 1 divided by 3 minus 1 यानी 2 आ जाएगा. This will be 0.8 into root 3 plus 1. अब इसमें अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये 0.8 into 1.732 रख दो, तो ये 2.732 ऐसा कुछ आ जाएगा. और इसको सॉल्व करें तो 8 2 16 1, 8 3 24 एंड 125 2, 8 7 56 एंड 258 5, 8 2 16 16 एंड 521 ऐसा कुछ आ जाएगा. और चार डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 एंड 4. सो दिस विल बी द आंसर आइदर इन दिस फॉर्म, और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो अभी आप चाहो तो रूट थ्री की वैल्यू रखकर सॉल्व करके देख सकते हैं. तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट सेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे.